हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जो घर पे अच्छे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को लेसन थर्ड, जिसका नाम लता मंगेशकर मेलोडी क्वीन है, तो आज जो है मैं आप लोगों को इसका जो है डी बताने जा रहा हूँ। डी देखिए लिखा हुआ है, नाउ द इंसर्ट आइदर एंड और बट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो है आपको जो है निम्नलिखित वाक्यों को जो पूरा करना है, इनमें से दो है, तो दो में से क्या एक जो है आपको जो है जो सही लगे उसे जो है आपको भरना है। तो फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है, ही इज नटी बॉय, वह एक जो है नटखट लड़का है, डैश गुड इन स्टडी, और पढ़ने में भी क्या हुआ वह अच्छा है। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, एंड का कि बट का? इसमें जो है वह नटखट लड़का है और पढ़ने में अच्छा है, यह सही नहीं लग रहा। हाँ, वह नटखट लड़का है लेकिन पढ़ने में अच्छा है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे जी? बट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? बट, BUT। दूसरा लिखा हुआ है, ही इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, डैश एंड सिंगर, वह एक खिलाड़ी है और अच्छा गायक भी है। सेंटेंस सही नहीं लग रहा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वह एक खिलाड़ी और गुड यानी अच्छा गायक भी है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे जी? एंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी? एंड। तीसरा है, राजू शाउट लाउडली इन प्लेग्राउंड, राजू जो है वो खेल के मैदान में जो है बहुत जोर से जो है चिल्लाता है, डैश स्पीक वेरी स्लोली इन द क्लास, और वह जो है वर्ग में जो है शांति से बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या और के यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसके यूज करेंगे जी? यहाँ पे जो है हम बट के यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बट। राजू जो है वह मैदान में जो है तेज बोलता है लेकिन वह जो है वर्ग में जो है स्लो बोलता है यानी धीमे बोलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है U1 में, देखिए, डिस्कस इन ग्रुप योर हॉबीज। अब देखिए डिस्कस करना है अपने जो है ग्रुप में, समूह में करना है, एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो है दो तीन आदमी जो है आप लोग अपने में डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत, और इसमें जो है आप भर भी सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया भी हुआ है, IMA, मैं एक हूँ, क्या है जी, लड़का है कि लड़की है? तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? यहाँ पे जो है आप जो लड़का होंगे तो वे बॉयज भरेंगे, जो लड़की होंगे वे गर्ल्स भरेंगे। तो यहाँ पे किसका यूज करना है जी? यहाँ पे जो है हम यूज कर रहे हैं गर्ल्स का। आई रीड इन क्लास, मैं वर्ग में पढ़ती हूँ, किस क्लास में पढ़ती हूँ जी? तो ये जो है क्लास कौन सा है जी? 6th क्लास का है चैप्टर। तो ये कौन सा करेंगे हम? इसमें जो है हम चैप्टर का जो नाम लिखेंगे, क्लास का जो नाम लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे? 6th लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे जी? 6 लिखेंगे, 6। यहाँ पे देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ, किसके शौकीन है जी? खेलने के, गाने के, नाचने के, कि पढ़ने के, कि टीवी देखने के? तो जो भी जो शौक है वे लिख सकते हैं, कोई प्लेइंग भी लिख सकता है, तो कोई सिंगिंग डांसिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सा जी? प्लेइंग लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको जो इसमें से हॉबी हो इसे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है, आई डैश इन द इवनिंग आफ्टर माई फिनिश होमवर्क, मैं जो हूँ शाम को डैश लिखा हुआ है, क्या हुआ, नहाता हूँ कि स्नान करता हूँ? आई फिनिश माई होमवर्क करने के बाद से क्या हुआ, आप सोते हैं कि स्नान करते हैं जी? तो आई टेक स्लीप, सोते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ थोड़ा आपको जो है मेंटली जो है आराम की जरूरत होती है जब पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, सोते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? टेक स्लीप। किसका यूज करेंगे जी? टेक स्लीप, टेक स्लीप, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टेक स्लीप, टेक स्लीप, टेक स्लीप, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? टेक स्लीप।
टेक स्लिप, SLWP टेक स्लिप। आई टेक स्लिप इन द इवनिंग आफ्टर माई फिनिश होम वर्क। ई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई डैश ए लॉट ऑफ टाइम माई हॉबी। मैं अपने शौक को, शौक के लिए क्या हुआ समय, क्या अधिक समय क्या करते हैं जी, लेते हैं कि देते हैं, तो देते हैं। शौक के लिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे जी, गिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे जी, गिव। यहाँ पे है आई वॉन्ट टू ग्रो बी, आई वॉन्ट टू बी ग्रो बी। मैं जो हूँ बड़ा होके बिकेम ए, बिकेम ए क्या बनेंगे जी, जो सिंगर बनना चाहते हैं वे सिंगर लिख सकते हैं और जो डांसर बनना चाहते हैं वे डांसर लिख सकते हैं। तो आप इसमें जो है जो भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो से आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा जी, सिंगर लिखा। तो आज जो है मैंने जो है आप लोगों को इस चैप्टर का जो है डी और ई1 बताया। अगले वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको जो है एफ ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट ऑल।